हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये व्लॉग कुछ इस तरीके का होगा या ये सारे मोमेंट जो हैं वो होने वाले हैं। सरिता को रोता हुआ देखकर मैं दूर से उसके पास आई कि क्या हुआ है, उसने उतने टाइम मुझे बताया तो नहीं। उसके मन में कुछ हलचल थी जो सबके साथ वो शेयर कर रही थी मुझे लेकर। वो मुझे मार्केट लेकर गई थी कि मुझे तेरी पसंद की पायल पहननी है, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। तो मैं जाकर आई उसके साथ और आगे मुझे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता था, जो पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत स्पेशल मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वो सबको बैठा कर दिखा रही है कि देखो हम ये लेकर आए हैं मार्केट से, और मैं इतनी खुश थी कि मैं उसको अपने हाथ से पायल पहनाऊँगी, क्योंकि यही सोच कर मैं गई थी उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया। ये अब मुझे बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये पल मेरे लिए इतना इमोशनल क्यों था, मेरी फैमिली के लिए इतना इमोशनल क्यों था। आशीष जी ने मेरे बर्थडे के टाइम पर, मैं मायके में थी और मेरे लिए पायल खरीदी थी, कि मुझे बताया था कि तुम्हारे लिए पायल ली है, जब आऊँगा तुम्हें लेने के लिए तब तुम्हें दूँगा। और उतने ही बीच में ये हादसा हो गया। और जब मैं होश में आई और मुझे सबसे पहले ध्यान आया कि उन्होंने मेरे लिए पायल खरीदी थी, मैंने पूरे रूम में ढूंढा लेकिन मुझे वो पायल नहीं मिली अपने कमरे में, तो तब मैंने बोला था कि मैं कभी ज़िंदगी में पायल नहीं पहनूंगी। ये मैंने उसी टाइम पर सोचा था। तो ये सारी बातें जो हैं मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को पता है और मेरा बर्थडे आने वाला है 20 अगस्त। मेरी लाइफ की जो बुरी यादें हैं ना, वो ये सब लोग मिलकर उसे खुशियों में बदलना चाहते हैं, इसलिए इतनी कोशिश हो रही है कि बस मैं जो भी मेरी यादें हैं जिनको याद करके मैं हमेशा दुखी हो जाती हूँ, उनको मैं याद करके कभी दुखी ना हूँ, हमेशा स्माइल मेरे फेस पर रहे। इस फीलिंग को मैं बोल कर बता ही नहीं सकती हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इन्हें शब्द होता है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो और फील भी नहीं कर सकते हो। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। तो मैं यहाँ पे मेरी एक पायल लेके आई हूँ, पहले आप मुझे बताओ कि कैसी है। वैसे हमारे ना मुखा में चांदी बहुत फेमस होती है, और मेरा ऐसे था कि मुझे पायल बहुत टाइम से लेनी थी, तो फिर देखो जी कभी यही है, तू हर चीज़ नया खरीदती है ना, जाओ हमें पता कहीं आने वाली है। दूसरा
नहीं रोना नहीं है दीदी, इतनी मजबूत लड़की नहीं रो सकती। चलो दीदी, हम सब चाहते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, सुनो हमारी बात, सुनो एक बार, हम सब कुछ चाहते हैं वो सुनो, हम सब प्यार करते हैं, हम सब चाहते हैं कि जो भी पुरानी बातें हैं। दीदी ओ यार एक बार पायल की सुंदर लग रही थी, बोलो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आपका भी स्माइल कर रहे हैं, एक स्माइल नहीं सुनो आपको मेरी कसम। आपका भी हम फर्स्ट है, चलो हंसो, खुश होने का, लाइफ जीने का, एक बार मुस्कुराओ, चलो मेरे कहने मुस्कुराओ, चलो स्माइल तो करो, देखता हूँ मेरी बात मान ली सुंदर लग रहे हैं और ये आशीर्वाद लेने के लिए है, ये पैर बहुत सुंदर लग रहा है। आज के बाद ये फाइल तेरे पैरों से नहीं खुलेगी, क्योंकि हर इंसान को जीने का हक होता है, हर इंसान को, तुझे भी जीने का हक होता है। लाइफ में आगे आगे बढ़ना ही पड़ता है और आगे बढ़ना ही है। मैं बात सही बोल रही हूँ? हर इंसान को जीने का हक होता है, हमें आयरन लेके नहीं चाहिए, वो चिंकी चाहिए, हमें वो चिंगुली, वो चिंकी चाहिए, समझी? हमको डॉन वाली चिंकी नहीं चाहिए जिसे हम डरे, हमको मस्ती वाली चिंकी चाहिए जिसे हम हमेशा शर्माती वाली चिंकी भी चाहिए। हाँ, जो बाहर से 1 रुपए की कॉफी नहीं ले रहा है। हाँ, घर के बाहर नीचे मार्केट था, मम्मी बोलते चूड़ी लेके चले आओ, मम्मी लोग खड़े हैं, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, चलो तू भी चलना, चलो तू भी चलना। चलो चलो चलो, लेट भी हो रहा है।
मुझे बुलाया ही नहीं है। इन सभी लोगों से जो प्यार और रिस्पेक्ट मुझे मिला है ना, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, यह हमेशा याद रखूंगी। आई तो थी सरिता के यहाँ, लेकिन बॉन्ड है हमारा, पहले से है, हम लोग पहले मिल चुके हैं, लेकिन वो जो रिश्ता है इतना मजबूत हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी आकांक्षा को और अनूप भैया को, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सरिता को तो सब लोग जानते हैं, सरिता को मेरे साथ देखा हुआ है, उसके बारे में तो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। पर आज जो सरिता ने किया है ना, अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो उसके जो किया हुआ है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। बस दिल से जेठू भैया, सरिता, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ में रहने के लिए। प्यारी सी रिया, अमित भैया, सभी को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अनूप भैया की बातें मुझे बहुत ज़्यादा याद आएंगी, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो फीलिंग आती है जैसे मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। अनूप भैया ऐसे हाथों से दिल बनाकर कह रहे हैं कि अब चिंकी दीदी का दिल कभी टूटना नहीं चाहिए। और आकांक्षा कह रही है कि मुझे ये सब देखकर और भी ज़्यादा खुशी हो रही है, हमेशा याद रह जाएंगी ये सारी चीज़ें, आप लोगों की बातें, और मुझे फिर से वही चिंकी लौटाने के लिए, उससे मिलवाने के लिए। सचिन भैया और मनीषा तो साथ ही जा रहे हैं हमारे साथ, जयपुर ही जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है तो हम लोग निकल जाएंगे। इस जगह जिसे सबसे ज़्यादा मैंने याद किया है वो है नीतू दीदी भैया, उन्हें कुछ फैमिली इमरजेंसी थी इसलिए फंक्शन के बाद वो तुरंत निकल गए, नहीं तो वो हमारे साथ जयपुर जाने वाले थे, लेकिन अब यहाँ से हमें अकेले जाना होगा। रिजर्वेशन उनका कैंसिल करके तत्काल का करवाया था। इतनी सारी यादों के साथ में, सबका प्यार लेकर, इतनी रिस्पेक्ट लेकर, बस जल्दी मिलने की कामना के साथ में हम लोग यहाँ से सबसे बाय बाय कहकर, मन तो नहीं होता है लेकिन आने के लिए जाना भी पड़ता है ना। आकांक्षा की एक बात मुझे हमेशा याद रह जाएगी कि जब पायल मैंने पहनी थी तब उसने मेरे पैरों को अपने सर से लगाया था। आकांक्षा, मेरे पास शब्द नहीं है, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ईश्वर तुम्हें बहुत बहुत तरक्की दे और इसी तरह तुम बस फलते फूलते रहो। हम लोग जयपुर जा रहे हैं, परसों ट्रेन है, हम लोग अरे मजाक कर रहे हैं, हम लोग अभी आना सर आ रहे हो ना, भाई साहिब को बर्थडे मेरा, आ जाओ, मैं बुला लूंगी, मेरे को बर्थडे है, बता दिया है। चलो टाटा भैया, भाई साहिब को बर्थडे, वो सरप्राइज मत रहने दे तू, भाई साहिब को बर्थडे। अरे कहीं से गर्म हवा आ रही, टाटा। देख ना मेरा हाथ अभी चिपड़ा जाता थी चिंकी दीदी, पता आधे घंटे से बाय कर रही थी, लास्ट में मेरे को ही खींच के लाना पड़ा।